हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस? नाउ आई एम ऑडिबल और विजिबल, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, मैं क्लियरली सब लोगों को दिख रहा हूँ। ओके फाइन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बायोम के बारे में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बायोम, बायोम होता क्या है, उसके फर्दर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे हम बायोम को क्लासिफाइड करते हैं, वो आज के सेशन के अंदर कवर करेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिले हो गया। पॉइंट इज दैट कि आज का जो सेशन था उसमें कुछ की का टेक्निकल इशू था, जिसके कारण ये सेशन में थोड़ा सा डिले देखने को मिला। बट यहाँ पर जो हम आगे चीजों को पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम चीजों को कवर करने वाले हैं और एक एक पॉइंट आपका पूरा कवरेज करेगा बायोम इकोसिस्टम को। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में और आगे भी बनते रहेंगे गाइस। एक्चुअली मेरी थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है, मुझे इन्फेक्शन है थ्रोट में, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि इस सेशन को पूरा कवर करें अच्छे से डिटेल के साथ, कुछ भी चीज हमारी मिस ना हो। तो इसी वजह से एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए, मैंने सभी स्टूडेंट को एक बार लिंक प्रोवाइड कर दिया है, फटाफट कम ऑन फास्ट। ओके गाइस, ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए गाइस, हम बात करेंगे बायोम क्या होता है और बायोम के अंदर जो हमारे अलग अलग इकोसिस्टम है या जो अलग अलग डिफरेंट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम, टेम्परेट बायोम, इन सारे एस्पेक्ट को आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 ईयर्स, आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 30,000 ऑफ ऑफलाइन एंड लैक्स एंड करोड़ ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट। वहीं पर गाइस, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू, यहाँ पर इन सभी चीजों की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह अनअकैडमी पर हो रही है। रीजन है, सारी चीजें आपको बहुत डिटेल मैनर में कवर होगी। यही रीजन है लास्ट ईयर 333 सिलेक्शंस अनअकैडमी के एंड से दिए गए। वहीं पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर आया है, दिवाली का कॉम्बो ऑफर है आप लोगों के लिए। मतलब वो वाली चीज है कि आके आप अपनी प्रिपरेशन दिवाली जैसी खत्म होती है बहुत ही फुल फ्रेश तरीके से कर सकते हैं। रीजन है, आपको अप टू 50% का तो डिस्काउंट मिलता ही था, बट इस बार आपको ये कॉम्बो ऑफर है जिसके अंदर 6 मंथ का आपको बिल्कुल एक्सटेंशन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको कैपिटल AM10 कोड यूज करना है और इस कोड को यूज करते ही आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाएगा, प्लस मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस मिल जाएगी। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस अप्रोच में, वो सारी चीजें आपको मेरे एंड से हेल्प हो जाएगी इस सब्सक्रिप्शन में। लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है 9th of November तक, तो इस ऑफर को अवेल करके आप सारी चीजों को कवर कर सकते हो। वहीं पर फाउंडेशन बैच की बात करें गाइस, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए 2024-25 के लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है नवंबर 10 से और पूरा कंप्लीट सारी चीजें कवर होंगी एक ही जगह पर। उसी के साथ साथ अगर आप EMI पर चीजें लेना चाहते हो तो आपके लिए EMI भी है और विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट है। सिर्फ आपको जो नॉर्मल पेमेंट है वही करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। कोई भी सेल्स टीम किसी भी तरीके से कॉल आती है, जस्ट यूज द कोड कैपिटल AM10, मेंटरशिप गाइडेंस आपको मेरे एंड से हो जाएगी। बिकॉज ये कोड है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, डिस्काउंट से ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन आपकी हेल्प कर पाएगा। वहीं पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल unacademy_anirudhmalik इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी, और ये कोड है आप यूज कर सकते हो 9 तक का, दैट मीन्स कल तक के लिए ऑफर है, उस ऑफर को अवेल कर लीजिएगा। तो फटाफट हम आते हैं जल्दी से, हमारा टॉपिक है दैट इज बायोम, बायोम होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं, यहां पर इस सेशन के अंदर हम सारी चीजों को कवर करेंगे। देखिए गाइस, बायोम है क्या? बायोम एक बहुत ही बड़ा लार्ज इकोलॉजिकल एरिया है जो कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट, पर्टिकुलर सॉइल टाइप, पर्टिकुलर वेजिटेशन और पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल की जो लाइफ है वहां पर वो कैसे एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोम बोलते हैं। मतलब हमारी जो ये पूरी अर्थ है,
इस पूरी अर्थ के ऊपर हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल, उन बेसिस पर हमने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है आपके अलग अलग बायोम्स के अंदर, याद रखना, समझने की कोशिश करना। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, वहां पर जो प्लांट्स और एनिमल की असेंबलेज है, वहां पर जो उनका फंक्शंस है, जो उस बायोम को मेंटेन करने के लिए चीजें कर रहे हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए गाइस, जो बायोम है ना, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये हमारा नीचे इक्वेटर वाला सेक्शन है, मैं यहां पर बोलूंगा कि ये इक्वेटर है, और यहां पर ये वाला जो रीजन है दैट इज द पोलर रीजन। तो यहां पर इक्वेटर वाले रीजन में टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ यहां पर रेनफॉल भी बहुत हाई होगी। उसी के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, रेनफॉल भी डिक्रीज होती चली जाएगी, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, हमारा टेम्परेचर, हमारी सॉइल, हमारी वेजिटेशन, प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ, वो सब आपकी चेंज होती चली जाएंगी, और इसी को हम बोलते हैं आपका बायोम, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सॉइल टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन, और प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो किस तरीके से कहाँ पर डोमिनेंट कर रहे हैं, कहाँ पर हमारे ग्रासलैंड है, कहाँ पर हमारे डेजर्ट्स है, और उनके होने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, आज के सेशन के अंदर हम वो बात करने वाले हैं। तो गाइस, जो हमारे बायोम्स है ना, जनरली जो बायोम्स है वो हमारे पांच मेजर टाइप के बायोम होते हैं। नंबर वन है हमारा फॉरेस्ट बायोम, नंबर टू है हमारा टुंड्रा बायोम, ठीक है, नंबर टू है हमारा टुंड्रा बायोम, नंबर थ्री है हमारा टाइगर बायोम, नंबर फोर्थ है हमारा डेजर्ट बायोम, नंबर फिफ्थ है हमारा एक्वेटिक बायोम। और आप बोल सकते हो टुंडा टाइगा को एक बोरल फॉरेस्ट, और उसी के साथ एक आता है हमारा ग्रासलैंड बायोम। ये हमारे मेजर बायोम्स हैं जो आज आपको पढ़ने हैं बहुत डिटेल के साथ। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक्वेटिक बायोम क्या होता है। एक्वेटिक बायोम मतलब वो बायोम जो कि वाटर बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और एक्वेटिक बायोम के अंदर भी हमारे दो टाइप के बायोम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर एक्वेटिक बायोम, और वहीं पर मरीन वाटर, दैट मीन जो ओशियन में हमारा बायोम है, ओशियन के अंदर जो लाइफ सरवाइव कर रहे हैं वो हमारा मरीन बायोम होगा, वो हमारे एक्वेटिक बायोम के अंदर आते हैं। डेजर्ट बायोम, डेजर्ट बायोम के अंदर भी हमारे दो टाइप के डेजर्ट बायोम आ जाएंगे, एक तो कोल्ड डेजर्ट आ जाता है और एक आ जाता है आपका हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट लाइक मंगोलिया के पास वाला जो पार्ट है, कोल्ड डेजर्ट लाइक लद्दाख डेजर्ट, और वहीं पर जो हॉट डेजर्ट है वो हमारे थार डेजर्ट आ जाता है, और थार डेजर्ट के साथ साथ अगर मैं बात करूं सहारा डेजर्ट आ जाता है। उसी के साथ साथ हमारे ग्रासलैंड, ग्रासलैंड भी एक बायोम है जहां पर जो मेजर वेजिटेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट नहीं है, वहां पर वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड्स है, और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सवाना और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। वो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो किस किस पार्ट में लाई करते हैं, जैसे स्टेपीज हो गया, प्रेरीज हो गया, जैसे आपका डाउन्स हो गया, वेल्ट्स हो गया, पुस्ताज हो गया, ये सारे ग्रासलैंड्स हमारे कहां पर है, सवाना ग्रासलैंड कहां पर है, लानोस ग्रासलैंड कहां पर है, दीज आर द किस टाइप के हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल्स हैं जो अपनी सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा गाइस आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, प्लीज थोड़ा सा क्लास के अंदर कॉपरेट करना, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो प्लीज जितना भी जल्दी हो सके मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत डिटेल और बहुत वर्सिटाइल तरीके से सारी चीजें आपको कवर होती हुई यहां पर दिख जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के सेशन के अंदर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो गाइज अगर जनरली मैं बात करूं, ये हमारा एक बहुत ही परफेक्ट इमेज है जो जीसी लियोन के अंदर मेंशन है। अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग गाइस, हम अपने पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अर्थ के ऊपर, हम अपने अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के बेसिस पर अलग अलग बायोम में और अलग अलग आपके जो पूरे इकोसिस्टम है उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता लगे कि ये बायोम होता क्या है,
तो आप समझ जाओगे बायोम का मतलब सबसे पहले इसके आगे बायो लगा हुआ है। बायोम का मतलब ऐसी जगह जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, बायोम का मतलब ऐसी जगह जहां पर लाइफ पॉसिबल हो उसको बायोम बोलते हैं। बट द पॉइंट इज दैट जिस जगह पर लाइफ पॉसिबल होगी वहां पर हर एक जगह पर एक क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होगी। तो इसी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स, उस बेसिस पर हमने अपने पूरे वर्ल्ड में, अपनी पूरी अर्थ के ऊपर हमने अलग अलग बायोम्स के क्लासिफिकेशन किए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। पांच टाइप के हैं, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, एक्वेटिक बायोम, उसी के साथ साथ फॉरेस्ट बायोम। फॉरेस्ट बायोम के अंदर भी हम मल्टीपल बात करेंगे, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट, और जैसे ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, या हम बोल सकते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, वो हम बात करेंगे। और उसके बाद हमारा एक आता है टुंड्रा बायोम, उसको भी हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, हर एक जगह पर अलग अलग प्रेसिपिटेशन होता है, हर एक जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, और हर एक जगह पर उसी बेसिस पर अलग अलग डिस्टिंक्ट क्लाइमेट होता है, और उन्हीं डिस्टिंक्ट क्लाइमेट रीजन के बेसिस पर हमने बायोम को क्लासिफाइड किया है। मतलब कैसे है सर? मतलब अगर मैं बात करूं, ये 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक हमारा यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी हाई है, तो यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, दैट मींस यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट बायोम होगा। बट जैसे ही हम इससे ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, रेनफॉल कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उस बेसिस पर हमने यहाँ पर मानसून फॉरेस्ट में डिवाइड किया है, दैट इज द डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर हमने यहाँ पर बात की है ग्रासलैंड के बारे में, दैट इज द सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, और वहीं पर हमने बात की है हॉट डेजर्ट्स के बारे में। तो इस तरीके से हमने अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से टेम्परेचर और रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन है उनको देखते हुए, हमने उनको अलग अलग बायोम में क्लासिफाइड कर दिया है। ये चीजें याद रख। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना मेरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर हमारे पास एक बायोम है तो उस बायोम के अंदर हमारे जो इकोसिस्टम है वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है। याद रखना, हमारे जो बायोम है उस बायोम के अंदर जो इकोसिस्टम है वो एक या एक से ज्यादा इकोसिस्टम हो सकता है बायोम के अंदर। ये भी पॉइंट याद रखना। अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इसके अंदर आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, इसके अंदर लेक का इकोसिस्टम हो सकता है। यहां पर इकोसिस्टम एक बायोम के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, बट बायोम क्या है वो क्लासिफाइड हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। उसकी जो कंडीशन है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो दूसरे बायोम में नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो लाइफ है वो अलग है और दूसरे बायोम की लाइफ अलग है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए यहां तक। अब सबसे पहले जब मैं बायोम को डिस्कस करूंगा, तो मैं बायोम को डिस्कस करने से पहले बायोम को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करूंगा, दैट इज यहां वाले जो पोर्शन है, दैट इज पहला बायोम कौन सा है। सर, हमारा पहला बायोम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। जल्दी से आ जाइए और चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये है आपका इक्विटोरियल जोन, और यहां पर जो मैं बायोम की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, यहां पर जो मैं बायोम की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, आप देखोगे ऊपर जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूं, यहां पर ऊपर चलने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां पर ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पर ये टेम्परेट रीजन है, और ये टुंड्रा एंड टाइगर रीजन आ गया, और ये पोलर रीजन आ गया। वहीं पर जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी कम होती चली जाएगी। तो आप नोटिस करोगे, इस अगर आपने इस पूरी इमेज को समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लोगे एक एक चीजों को, कि कहां पर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही है। याद रखना कि कैसे कैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर टेम्परेचर भी कम होगा और रेनफॉल भी कम होती चली जाएगी, बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर और रेनफॉल एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है, ठीक है? तो ये चीजें आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी, जो मैं आपके सामने आगे की तरफ डिस्कस करूंगा। मैं आगे चल के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो बायोम है उसको डिस्कस करूंगा, मैं आगे चल के ग्रासलैंड को डिस्कस करूंगा, मैं आगे चल के डेजर्ट को डिस्कस करूंगा, आगे चल के मैं टेम्परेट फॉरेस्ट को डिस्कस करूंगा, आगे चल के मैं आपका जो टुंड्रा और टाइगर रीजन है
उसको डिस्कस करूंगा। तो अभी हम सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे फॉरेस्ट है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने वाली हैं, वो क्या है कैसे है उसको समझिए सबसे पहले। देखिए गाइस, आज के सेशन के अंदर हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है, दैट मींस वहां पर भी आपकी वेजिटेशन है। उसके बाद सवाना, सवाना ग्रासलैंड वाला एरिया है जहां पर रेनफॉल कम है, और रेनफॉल कम है मतलब वहां पर इतनी रेनफॉल नहीं है कि उस वाले एरिया में आपके प्लांट्स ग्रो कर सके। वहां पर इतनी रेनफॉल है कि वहां पर सिर्फ ग्रासेस ही ग्रो कर सकती है, और थोड़ी बहुत रेनफॉल अगर हो जाती है तो बहुत आपका रैंडम एक तरीके से स्कैटर्ड तरीके से आपको कहीं कहीं पर ट्रीज दिख जाएंगे। मान के चलिए यहां पर अगर हम बात करें, एक ट्री यहां पर है, एक ट्री यहां पर है, तो फिर यहां पर ये सारे में ग्रासेस है, फिर बहुत दूर कहीं 1-2 किलोमीटर दूर ट्री आपको वहां पर दिख जाएगा। समझ में आ गए, क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारी फॉरेस्ट को लेके, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि कैसे कैसे हमारे बायोम है। और सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं आपके सामने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। सर, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है ये सबसे इंपॉर्टेंट बायोम है। जनरली ये आपको देखने को मिलता है 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो आपका रीजन है इक्वेटर के पास, वहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम देखने को मिलता है। और ये उस एरिया में देखने को मिलेगा जहां पर टेम्परेचर हाई होगा और ह्यूमिडिटी भी होगी। जहां पर हाई ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर भी हाई होगा, ये चीज याद रखना। टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी का मतलब है रेनफॉल भी ज्यादा होगी, याद रखना। कितनी रेनफॉल? सर, वो एरिया जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होगी उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, याद रखना। समझ में आ गया, क्लियर है गाइस? पूरे वर्ल्ड का 6% से ज्यादा एरिया जो है वो आपका इस एरिया में देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया। यहां पर जो वेजिटेशन है वो इतनी डेंस है ना कि यहां पर आपको थिक कैनोपी के जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है, यहाँ की जो वेजिटेशन है वो इतने डेंसली कवर्ड है ना कि आपके ऊपर से जो सन की रेज है वो नीचे तक नहीं आ पाती। 99% जो सन रेज है वो नीचे नहीं आ पाती, लेस देन 1% सन रेज नीचे की तरफ पहुंचती है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि इतनी हाई रेनफॉल और इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण इनकी जो कैनोपी है वो बहुत डेंस हो जाती है, जिसके कारण नीचे तक आपकी सनरेज नहीं पहुंच पाती। किस वाले एरिया में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसी वजह से यहां पर आपके जो नीचे की ग्रोथ है वो नीचे पर आपको बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहां पर जो नीचे की ग्रोथ है वो कम देखने को मिलेगी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसी के साथ साथ यहां पर आपको एपीफाइट्स भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? एपीफाइट्स भी देखने को मिलेंगे, याद रखना। एपीफाइट्स क्या होते हैं अगर आपसे कोई पूछे? एपीफाइट्स का मतलब होता है सर, एपीफाइट्स जैसे बेल होती हैं, मतलब जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर बेल नहीं चढ़ती इस तरीके से, तो इस तरीके से जो बेल्स होती है, इस तरीके के प्लांट जो दूसरे प्लांट की सपोर्ट लेते हैं, वो आपको इस वाले फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, याद रख। समझ में आ गए गाइस? कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा क्लास लेट हो गया था, बट क्लासेस टाइम पर कल से होंगी। कल थर्सडे है बट कल भी मैं आपकी इन्वायरमेंट का सेशन लेके आऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। कल इन्वायरमेंट का सेशन कवर कर लेंगे, पॉलिटी का सेशन भी हम कवर कर लेंगे, तो चीजें कवर करने की कोशिश रहेगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, जो भी बेस्ट होगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है? ये चीज याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस तरीके की वेजिटेशन मिलेगी, तो आपको बताना है मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन मिलेगी। मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन, दैट मींस अलग अलग लेयर्स होंगी वहां पर, उस टाइप की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, याद रखना, इस वाले एरिया में। उसी के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर सॉइल कैसी मिलती है, तो आपको बताना है यहाँ पर जो सॉइल मिलेगी ना वो लीच्ड मिलेगी, मतलब यहाँ पर सॉइल में लीचिंग मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि लीचिंग का क्या मतलब होता है? सर, लीचिंग का मतलब होता है यहाँ पर ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो वॉश अवे हो जाते हैं। क्या आप मुझे बता पाओगे कमेंट में कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं? क्या सिलिका है या कोई और न्यूट्रिएंट्स है जब हैवी रेनफॉल होती है तो वॉश अवे हो जाते हैं हमारे किस में? रेन वाटर के साथ, जिसके कारण यहाँ की सॉइल लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब यहाँ की सॉइल फर्टाइल
नहीं होती, यहां पर फर्टाइल सॉइल नहीं होती। अब आपके माइंड में आएगा, सर क्या बात कर रहे हो यार, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि यहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होती। मैंने बिल्कुल समझा कि सही है, यहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, लीची हो जाएगी। बट यहाँ पर एक चीज तो बताइए, जो इतनी डेंस कैनोपी है, इतनी लग्जूरियंट ग्रोथ है आपके प्लांट्स की, वो कैसे पॉसिबल है? गाइज यहाँ पर जो वेजिटेशन है ना, वो सिर्फ यहाँ पर फॉरेस्ट वेजिटेशन हो सकती है। आप किसी भी तरीके से इस टाइप की सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं लगा सकते। मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप नीड्स फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर सॉइल नीड्स न्यूट्रेंट्स, और वो किसी भी तरीके का न्यूट्रेंट इस सॉइल के अंदर नहीं मिलेगा। तो कभी भी देख लेना, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहां पर आपको एग्रीकल्चर नहीं दिखेगी, वहां पर सिर्फ आपको लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेगी। मल्टी लेयर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, नीचे छोटे छोटे छोटे, नीचे आपको ग्रासेस एंड स्क्रब्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, शॉप्स देखने को मिलेंगे नीचे के एरिया में। ये चीज याद रखना, समझ में आ गया, क्लियर है? कहां पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। उसी के साथ साथ यहाँ पर इतनी हैवी रेनफॉल होती है कि यहाँ पर प्लांट्स की स्पीसीज बहुत ज्यादा है। दिस एरिया इज वेरी रिच इन द बायोडायवर्सिटी। ये एरियाज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक परफेक्ट कंडीशन मिलती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही परफेक्ट कंडीशन मिलेगी, तो यहाँ पर बैक्टीरियाज, यहाँ पर और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट कंडीशन प्रोवाइड होती है। पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका यहाँ पर समझने के लिए, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर डिजीजेस बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। ये वो एरिया है जहाँ पर बीमारियां बहुत फैलती है। आप कभी भी जाइएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में, आप कभी भी जाइएगा ट्रॉपिकल एरिया में, ड्यू टू द वेरी हैवी रेनफॉल, ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर डिजीजेस भी स्प्रेड होती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में। समझ में आ गया? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ग्रोथ के लिए, और मोस्ट ऑफ द आर एपीफाइट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स का मतलब होता है जो दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो नीचे तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेयर्स की फॉर्म में डेंस कैनोपी है, और डेंस कैनोपी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रीज है उनकी हाइट इतनी हो जाती है कि 60 मीटर तक वो पहुंच जाते हैं जो ट्रीज है, ठीक है, 60 मीटर तक उनकी हाइट हो जाती है, याद रखना। समझ में आ गया, क्लियर है? तो बेसिकली एपीफाइट्स क्या है? एपीफाइट्स एक कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म का मतलब है ये खुद तो ग्रो करते हैं, ये खुद तो ग्रो करते हैं, बट ये जब खुद ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो ये दूसरी वेजिटेशन को सहारा लेके ग्रो करते हैं। मतलब ऐसी वेजिटेशन, ऐसे प्लांट जो खुद ग्रो कर रहे हैं, और किसके ऊपर कर रहे हैं? दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, बट इनकी खुद तो हेल्प हो रही है, खुद तो ग्रो कर रहे हैं इनके सपोर्ट में, बट जो ये मेन है जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, जिसका सपोर्ट ले रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं पहुंचाते, उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब होता है ये जो एपीफाइड है ये अपने आप को तो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका सपोर्ट लेके ग्रोथ कर रहे हैं, बट वो दूसरी जो हमारी स्पीसीज है उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, वो होता है कमेंसलिज्म। और यहाँ पर एपीफाइट्स वेजिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस एरिया में, ठीक है, बेल लाइक। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, सही है। ये बात हो गई हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, पता लग गया हो तो याद रखना। तो यहाँ के जो ट्रीज हैं वो बहुत ही लार्ज ट्रीज हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज के, वो है आपके महागोनी, इबोनी, रोजवुड, रबर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद रखना। यहाँ पर एपीफाइट्स होते हैं, यहाँ पर आपके शब्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ब्रोमिलेट्स देखने को मिलते हैं। अब आप कोई मुझे बताएगा व्हाट इज ब्रोमिलेट्स? यहाँ पर ब्रोमिलेट्स देखने को मिलते हैं, ये क्या होते हैं ब्रोमिलेट्स? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, कि ब्रोमिलेट्स होते क्या है। कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि यहाँ पर ब्रोमिलेट्स भी देखने को मिलते हैं, एनी वन ऑफ यू, ठीक है, ब्रोमिलेट्स क्या होते हैं ये ब्रोमिलेट्स, जल्दी से बताइए कमेंट के साथ। ओके, यहां पर ये ब्रोमिलेट्स क्या होंगे ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से सोच के बताइए। क्या ये इस टाइप के कोई फ्लावर टाइप के प्लांट्स होते हैं जो किसी इंसेक्ट्स को अपने अंदर, जैसे फ्लावर्स क्या है,
फ्लावर्स ओपन है इस तरीके से, समझने की कोशिश करना। अगर आप ढंग से देखोगे फ्लावर इस तरीके से ओपन है, सडनली इसके बीच में कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो ये फ्लावर अपने आप को बंद कर लेता है, इंसेक्ट खत्म। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, आपको इस तरीके से प्लांट्स और वेजिटेशंस भी देखने को मिलते हैं, याद रखना। समझ में आ गया? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना गाइस, कि जो वर्ल्ड की मोर देन 50% जो आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अराउंड 40 to 50% जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ के लंग्स बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बड़े अमाउंट में रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। आप बिलीव मानिएगा, जो साउथ अमेरिका में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो इतने डेंस है ना कि वहां पर 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन वही प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना। अगर अमेजोन रेन फॉरेस्ट काट दिए जाए तो हमारी अर्थ के ऊपर, लाइफ के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर एक इंपैक्ट पड़ने वाला है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है, लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, सो दिस इज अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहाँ पर है, कैसे है ये देख सकते हो। ये है डेंस कैनोपी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एपीफाइट्स है जो इन प्लांट्स की सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नीचे मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन देखने को मिलेगी, लेयरिंग में वेजिटेशन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन है कि प्लांट ग्रो करने के लिए दूसरे प्लांट से ऊपर निकलने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। और जो ट्रीज बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं उनकी कैनोपी बहुत ज्यादा डेंस है ऊपर तक, और वो डेंस कैनोपी क्या कर रही है, वो डेंस कैनोपी नीचे तक आपकी सनलाइट नहीं आने दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर शर्ब्स एंड स्क्रब्स देखने को मिल रही हैं आपको लोअर लेवल पर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड लेवल पर कहां पर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो गाइज अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, यहाँ पर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के इस वाले पार्ट पर 10 डिग्री पार्ट पर यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे इतने सेक्शन पर, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ हमारे इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर की तरफ ये आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना। ये बात हो गई हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब मैं बात करता हूं, दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी हमारे जो फॉरेस्ट बायोम है उसी फॉरेस्ट बायोम का पार्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, याद रखना। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी उसी का ही पार्ट है। अब क्वेश्चन है कि कहां पर, इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। किसके नाम से जानते हैं, मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये उस वाले एरिया में देखने को मिलेंगे जहां पर जो आपकी रेनफॉल है, ये उस एरिया में देखने को मिलेंगे जहां पर आपकी जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ये उस एरिया में देखने को मिलेंगे। ये उस एरिया में देखने को मिलेंगे जहां पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और यहाँ पर इनको मानसून फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है कि जब ड्राई सीजन होता है उस ड्राई सीजन में ये अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, याद रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं, तो याद रखना पीक साल ये एग्जाम्पल है आपके डेसिडियस फॉरेस्ट के। आपने बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे, तेंदू हो गया, पलास हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तेंदू, पलास, साल, टीक, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक टाइम पीरियड पर जब रेनफॉल नहीं होती तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, एंड दैट्स द रीजन दीज आर नोन एज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये चीज आपको याद रखनी है, इनको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपके सामने बताया। ठीक है, तो आपके सामने क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अब मैं बात करता हूं टेम्परेट के बारे में, कि टेम्परेट किस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट का मतलब है गाइस, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो ऐसे फॉरेस्ट जो टेम्परेट रीजन में है, दैट मींस
ऐसे फॉरेस्ट जो टेम्परेट रीजन में है जनरली, यहाँ पर अगर आप देखोगे टेम्परेट रीजन मतलब जो आपके 50 से 60 डिग्री लैटिट्यूड पर ऐसे एरिया में फॉरेस्ट हैं जो ठंडे एरिया में है, और टेम्परेट एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट भी होते हैं, टेम्परेट एरिया में एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट भी होते हैं, तो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे, याद रखना। तो गाइज मैंने आपको क्या बताया था, हम आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे बायोम्स के बारे में। मैंने 5 टाइप के बायोम बताए थे। नंबर वन फर्स्ट है फॉरेस्ट बायोम, नंबर सेकंड है डेजर्ट बायोम, नंबर थर्ड है एक्वेटिक बायोम, नंबर फोर्थ है ग्रासलैंड बायोम। ठीक है, फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, एक्वेटिक बायोम, उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमने अलग अलग बायोम्स थे जो हमें पढ़ने थे, जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना। ठीक है, ये बायोम्स है जो हमें पढ़ने हैं, सॉरी एक हमें पढ़ना है टाइगा बायोम, टाइगा टाइगा, ग्रासलैंड के बाद हमें पढ़ना है टाइगा। ठीक है, टाइगा बायोम। तो फॉरेस्ट बायोम जिसके अंदर हमने बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, फिर हम बात करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट की। और टेम्परेट फॉरेस्ट वो होते हैं जो टेम्परेट रीजन में लाई करते हैं, जो हाई लैटिट्यूड में लाई करते हैं। और टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर याद रखना टेम्परेट रीजन में जो जो फॉरेस्ट लाई करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे, तो चीजों को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से कि टेम्परेट वेजिटेशन के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, याद रखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेम्परेट डेसिडियस बायोम। टेम्परेट डेसिडियस बायोम का मतलब है कि वो फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट एरिया में लाई करते हैं, जहां पर टेम्परेचर कम होता है और वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, जिसके कारण टेम्परेट रीजन पर वो फॉरेस्ट जब ड्राई सीजन होता है तो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, दे शेड देयर लीव्स। और जनरली ये देखने को मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। यानी कि अगर आप चीजों को मैप में बहुत अच्छे से देखें, चीजों को एनालाइज करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएंगे टेम्परेट कौन से फॉरेस्ट, आपको डेसिडियस फॉरेस्ट, ये रहा वेस्टर्न मार्जिन और ब्रिटिश मार्जिन, मतलब जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर लाई करते हैं ट्रॉपिकल ब्रिटिश टाइप और डेसिडियस फॉरेस्ट, ये चीज याद रखना। ठीक है, हम उनके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, आ जाइए जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका टेम्परेट डेसिडियस। यहाँ पर जो सॉइल होती है वो पॉडजोलिक सॉइल होती है, पॉडजोलिक सॉइल मतलब पॉडजॉइल सॉइल। अब क्वेश्चन बनता है पॉडजॉइल सॉइल क्या होती है? सर पॉडजॉइल सॉइल वो सॉइल होती है जिसकी टॉप लेयर बहुत ही थिन होती है, और यहाँ पर टॉप लेयर थिन होने के कारण यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लीचिंग के कारण वो जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लो लेवल का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ये एक्सेसिवली ड्रेन्ड होती है, मतलब सूखी होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं मतलब एक्सेसिवली ड्रेन्ड होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होने के कारण न्यूट्रेंट्स जो लो लेवल का मॉइस्चर है वो यहाँ पर रहता है, न्यूट्रेंट्स यहाँ पर कम होता है, लूमी टू सैंडी होता है, याद रखना, जिसके कारण शैलो रूटिंग जोन होता है, मतलब जो रूटिंग जोन है वो बहुत डीप तक नहीं जाता, शैलो होता है और पुअर ड्रेनेज होता है, क्योंकि सब सॉइल जो होती है वो सिमेंटेटेड होती है, मतलब जो नीचे की सॉइल है ना वो नीचे तक वाटर परकुलेट नहीं कर पाता, ऊपर तक ही वाटर रहता है, जिसके कारण पुअर ड्रेनेज होता है, यहाँ पर याद रखना। उसी के साथ साथ इसका जो पीएच होता है वो लो पीएच होता है, लो पीएच होने के कारण इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, एसिडिक सॉइल हो जाती है। एसिडिक इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे वॉश अवे हो जाते हैं, याद रखना, उसको हम पॉडजॉइल सॉइल बोलते हैं, याद रखना। और ये पॉडजॉइल सॉइल जो होती है ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, जनरली ग्रेजिंग के लिए ये सॉइल यूज की जाती है पॉडजॉइल सॉइल। तो वहीं पर जो टेम्परेट सॉइल है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो सॉइल है टेम्परेट फॉरेस्ट की वो पॉडजॉइल सॉइल होती है, दैट मीन्स फेयरली डीप होती है, एसिडिक करेक्टर होता है, पुअर होती है एग्रीकल्चर के लिए। बट याद रखना यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होता है इस टेम्परेट रीजन में, कहाँ पर? ब्रिटिश टाइप और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वाले पार्ट में, वो डेसिडियस होता है, क्योंकि ये अपनी एक कोल्ड सीजन में, जब ठंडा सीजन आता है, ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, याद रखना। ठीक है, उसी के साथ साथ याद रखना दिस इज एन अडेप्टेशन फॉर द प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द विंटर स्नो एंड फ्रॉस्ट। तो जो विंटर में बर्फ पड़ती है और जो फ्रॉस्ट होती है
उससे अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। और जो शेडिंग है, जो पत्तियां गिरती हैं, वो ऑटमन सीजन में गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो ग्रोथ है वो दोबारा स्प्रिंग सीजन में आना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेट रीजन में याद रखना, सम ऑफ द स्पीसीज आर ओक, एलम, एश, ब्रीच, बीच, पॉपुलर। ये आपकी स्पीसीज है किसकी? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की, याद रखना। उसके बाद आते हैं, ये देखिए, ये है आपके टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद आते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है, ये जनरली आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नदन कैलिफोर्निया थ्रू द सदर्न अलास्का। ये उस वाले पार्ट पर देखने को मिलेगा जहां पर रेनफॉल अच्छी खासी होती है। स्मॉल एरिया ऑफ सदर्न चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्यू प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे आपके चिडार के ट्रीज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर स्प्राउस देखने को मिलेंगे, पाइन की जो स्पीसीज है वो जनरली यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन एडिशन टू ट्रीज, यहाँ पर मोसेस एंड लाइकेंस आर वेरी कॉमन। यहाँ पर आपको जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर मोसेस एंड लाइकेंस, ट्रीज के ऊपर मोसेस एंड लाइकेंस की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ एपीफाइट्स की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। एपीफाइट्स वो होते हैं जो दूसरे ट्रीज के ऊपर आपके ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर बियर्स टाइप के कॉमन मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पर? इस टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के ऊपर। आप देख सकते हो इस तरीके के, यहाँ पर ये टेम्परेट ट्रॉप रेन फॉरेस्ट है जहां पर प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर ये मोसेस एंड लाइकेंस की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ट्रीज की ग्रोथ बहुत हाई ग्रोथ कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे इस एरिया में जनरली आपको, और दे आर एवरग्रीन, ये एवरग्रीन रहते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बात हो गई है हमारी। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में। अगर आप जनरली देखोगे ग्रासलैंड हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, अगर आप ढंग से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आप रियलाइज करोगे ग्रासलैंड हमें वहां देखने को मिल रहे हैं जहां पर हमारी रेनफॉल कम होती है। तो यहां पर आप देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, वहीं पर डेजर्ट में बहुत कम होती है। तो डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच का जो एरिया है वहां पर हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। और ग्रासलैंड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक टेम्परेट ग्रासलैंड और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। मोसिस क्या होते हैं? मोसिस एंड लाइकेंस जनरली, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये आपके इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे से आपके इस तरीके से मोसिस होते हैं आपके, यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इनको मोसिस एंड लाइकेंस बोलते हैं। ये आपके इनके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती जनरली, ये टाइगा वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, टुंड्रा एंड टाइगा वाले रीजन में ये मोसिस एंड लाइकेन, स्पेशली टुंड्रा वाले रीजन में ये मोसिस एंड लाइकेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहां पर जनरली देखने को मिलते हैं। क्लियर है, ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? इनके बारे में, मोसिस के बारे में और लाइकेन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? आपके सामने ग्रासलैंड के बारे में। सर ग्रासलैंड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड और एक होता है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। समझने की कोशिश करना, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो गाइज अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल वेट ग्रासलैंड, यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उस एरिया में देखने को मिलते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है और वहां पर जनरली आपका ड्राई सीजन होता है, बट थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है कि वहां पर वो प्रॉपर डेजर्ट ना बन पाए। इतनी रेनफॉल हो जाती है कि वो प्रॉपर डेजर्ट ना बन पाए, सफिशियंट रेनफॉल हो पाती है कि वहां पर आपकी ग्रासेस हो जाए। मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि रेन फॉरेस्ट बन जाए और इतनी कम भी नहीं होती कि वो बिल्कुल आपका डेजर्ट बन जाए। थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है जिसके कारण वहां पर ग्रासेस ग्रो होती है। और याद रखना जो ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है आपका, यहां पर जो ग्रासेस की लेंथ है वो टॉल ग्रासेस देखने को मिलती है, याद रखना टॉल ग्रासेस। टॉल ग्रासेस का मतलब क्या होता है सर? टॉल ग्रासेस का मतलब है कि जो ग्रासेस की हाइट है वो काफी ऊंची ऊंची होती है इस एरिया में। ग्रासेस की जो हाइट है वो जनरली काफी ऊंची ऊंची देखने को मिलती है इस एरिया में। अब आपके माइंड में आएगा सर ग्रासेस की हाइट ऊंची ऊंची क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक होती है, इतनी कम नहीं होती कि डेजर्ट बन जाए, इतनी ज्यादा भी नहीं है रेन फॉरेस्ट, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है जिसके कारण ग्रासेस की हाइट काफी बड़ी हो जाती है। इसी वजह से इस एरिया पर आपकी एलिफेंट ग्रासेस होती है। एलिफेंट ग्रासेस का मतलब है टॉल ग्रासेस होती हैं एलिफेंट की हाइट जितनी, जिस वजह से इस सवाना ग्रासलैंड वाले एरिया को बिग हंटिंग गेम वाला एरिया भी बोला जाता है। ठीक
ठीक है, रीजन है कि यहाँ पर हंटिंग के लिए ग्रासेस होती हैं, जहां पर एनिमल छुप के एक दूसरे के ग्रासेस के पीछे हंट करते हैं इस एरिया में। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम ट्रीज देखने को मिलते हैं। जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत टॉल होती हैं, और ट्रीज भी जनरली यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ये पूरा ग्रासेस का एरिया है, पूरा ग्रासेस का एरिया है। यहाँ पर एक ट्री मिल गया, यहाँ पर एक ट्री मिल गया, काफी दूर दूर यहाँ पर ट्री देखने को मिलते हैं। इसलिए क्योंकि इतनी रेनफॉल नहीं हो पाती कि जो ट्री की ग्रोथ है उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैमल, बर्ड और रेप्टाइल की जो डाइवर्सिटी है उसमें काफी रिचनेस देखने को मिलती है, जो सवाना टाइप का ग्रासलैंड है उस वाले एरिया में। समझ में आ गया? तो जो सवाना टाइप का ग्रासलैंड है वहां पर क्या होता है, ग्रासलैंड के अंदर काफी हैवी रेनफॉल नहीं होती, स्कैटर्ड वेजिटेशन देखने को मिलती है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेस। जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है? जनरली ये ट्रॉपिक्स के नियर वाले एरिया में देखने को मिलता है, वो भी वहां पर जहां पर रेनफॉल कम होती है। वो एरिया जहां पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर या उससे कम होती है उस वाले एरिया में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन बनेगा कहां पर देखने को मिलता है? सर ये अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अफ्रीका में जो वर्ल्ड का सबसे फेमस ग्रासलैंड है, दैट इज सवाना ग्रासलैंड, वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। अफ्रीका के अंदर जो सवाना ग्रासलैंड है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। ये भी चीजें याद रखना। समझ में आ गया? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उसी के साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप साउथ अमेरिका में चले जाओगे, वेनेजुएला में, वहां पर लानोस ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, और लानोस ग्रासलैंड आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अफ्रीका के अंदर सवाना ग्रासलैंड आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये चीजें याद रखना। तो यहाँ पर ये आपको जो लानोस ग्रासलैंड दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल है आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के, जिसको हम बोलते हैं सवाना ग्रासलैंड। वहीं पर अफ्रीका के अंदर ये पूरा रीजन आप देख रहे हो, जितना ये वाला पूरा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सवाना ग्रासलैंड। ये सवाना ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। सवाना ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नीचे की तरफ जनरली यहाँ पर ग्रासेस जो है वो इतनी हैवी रेनफॉल नहीं हो पाती कि ग्रासेस ग्रो, प्लांट्स ग्रो पाए, तो ग्रासेस ग्रो होती है यहाँ पर। तो ये वाला जो रीजन है सवाना, ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। लानोस की बात करें, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक कैम्पोस दिखेगा ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर कैम्पोस दिखेगा, कटिंगा दिखेगा, सेरेडोस दिखेगा। ये तीनों आपके क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कैम्पोस, कटिंगा, सेरेडोस ब्राजील के अंदर है, लानोस वेनेजुला के अंदर है, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका के अंदर है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पर रेनफॉल इतनी हाई नहीं होती कि ट्री हो जाए, और इतनी कम भी नहीं है कि डेजर्ट बन जाए, पर थोड़ी बहुत ठीक ठाक रेनफॉल हो जाती है, जिसके कारण लॉन्ग ग्रासेस होती हैं, टॉल ग्रासेस होती हैं, और बिग गेम हंटिंग एरिया हो जाता है। और यहाँ पर काफी जनरली वो ट्राइब्स देखने को मिलेंगी आपको जो हंटिंग एंड गैदरिंग करती हैं। यार समझ में आ गया? उसी के साथ साथ हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। टेम्परेट ग्रासलैंड हमें उस एरिया में देखने को मिलता है जहां पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है, रेनफॉल बहुत ही कम होती है, वहां पर किसी भी तरीके से ट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। टेम्परेट एरिया में, ऐसे एरिया में जहां पर टेम्परेट रीजन है, और टेम्परेट मतलब ठंडा इलाका है, और वहां पर रेनफॉल कम होती है, वहां पर रेनफॉल इतनी कम होती है कि वहां पर ट्रीज की, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में थोड़ी बहुत जगह पर, थोड़े बहुत दूर दूर एरिया में जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रासेस देखने को मिलेंगी। वहां पर जो ग्रासेस थी वो टॉल ग्रासेस थी, बट यहाँ पर जो ग्रासेस देखने को मिलेंगी वो शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलेंगी। इन ग्रासेस की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर जो ग्रासेस है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, दैट मीन्स उनमें न्यूट्रिशन होता है। इसी वजह से जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला एरिया है वहां पर जो ग्रासेस होती हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहां पर डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप बात कर ले अर्जेंटीना की, अगर आप बात कर ले यूरोप के अंदर, अगर आप बात कर ले ऑस्ट्रेलिया या आपका न्यूजीलैंड के अंदर, वहां पर आपको डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी ड्यू टू द टेम्परेट ग्रासलैंड होने के कारण। याद रखना, यहाँ की जो अपर लेयर है वो थोड़ी सी फर्टाइल होती है, जिसके कारण ग्रासेस होती है, और न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती है, दैट मीन्स दे कैन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ग्रीन ग्रास एंड फ्रेश ग्रासेस होती है, याद रखना।
तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहां पर क्या होगा, रेनफॉल कम होती चली जाएगी, ग्रासेस ज्यादा, इसी वजह से यहाँ पर जो एनिमल की डाइवर्सिटी है वो भी बहुत कम देखने को मिलेगी, और प्रैक्टिकली यहाँ पर ट्री प्रेजेंट नहीं होंगे, ये ट्रीलेस एरिया होता है याद रखना, जहां पर ग्रासेस छोटी होती है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड है। वर्ल्ड में अगर आप देखोगे रशिया का जो पोर्शन है प्लस यूरोप में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे स्टेपीज ग्रासलैंड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मंचूरियन ग्रासलैंड, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। वहीं पर हंगरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे पुस्ताज ग्रासलैंड, ये हंगरी के अंदर पुस्ताज है, ये रशिया और यूरोप में स्टेपीज ग्रासलैंड है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये प्रेरीज ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसी के साथ साथ यहाँ पर पाम्पास ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे अर्जेंटीना के अंदर, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। वहीं पर आपको साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। वहीं पर अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर जाओगे तो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर कैंटाबरी प्लेस देखने को मिलेंगे, वो भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया, ये आपके ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है याद रखना। ये कहां पर मिल रहे हैं अगर आप देखोगे, अगर आप इक्वेटर की लाइन को ड्रॉ करते हो यहां पर, दिस इज द इक्वेटर, तो अगर आप देखोगे ये टेम्परेट रीजन पर है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहां पर इस वाले एरिया में, यहां पर अगर आप क्लियरली चीजों को नोटिस करोगे, दिस इज द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इधर की तरफ अगर आप रीजन को लाई करोगे, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके नीचे टेम्परेट रीजन है जहां पर वेल्ड ग्रासलैंड, जहां पर डाउस ग्रासलैंड, जहां पर पाम्पास ग्रासलैंड, जहां पर प्रेरीज ग्रासलैंड, जहां पर पुस्तास स्टेपीज, ये सारे ग्रासलैंड आपको टेम्परेट एरिया में जनरली देखने को मिलेंगे याद रखना, ठीक है, टेम्परेट एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए मुझे, यहाँ तक कि सर ये वाली चीजों में मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम है, एनी वन ऑफ यू, किसी को भी, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ओके, तो बेसिकली ये बात हो गई हमारी इनके बारे में, जो हमारे ग्रासलैंड है टेम्परेट ट्रॉपिकल, जो हमारे फॉरेस्ट है उनके बारे में। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ हमारे डेजर्ट ग्रासलैंड के बारे में। सर डेजर्ट ग्रासलैंड जनरली हमें वहां पर देखने को मिलता है जो मिड लैटिट्यूड वाले एरिया है, मिड लैटिट्यूड वाले एरिया, मिड लैटिट्यूड वाले एरिया मतलब ऐसे एरिया जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम हो रही है। मतलब कैसे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, समझने की कोशिश करना, ये ट्रॉपिकल रीजन है, इस ट्रॉपिकल रीजन पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी, इससे ऊपर जाओगे कम रेनफॉल होगी, ग्रासलैंड मिलेगा, उससे ऊपर जाओगे और कम रेनफॉल होगी, डेजर्ट्स मिलेंगे। तो डेजर्ट्स कहाँ पर मिलेंगे, मिड लैटिट्यूड पर मिलेंगे, मिड लैटिट्यूड मतलब जनरली 30 डिग्री लैटिट्यूड पर देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से जो एयर राइज होती है वो 30 डिग्री पर जाके डिसेंड होती है, तो 30 डिग्री पर डिसेंड होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है, और हाई प्रेशर बेल्ट का बनने के कारण यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, और जब यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती तो रेनफॉल ना होने के कारण यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलते हैं, दैट इज द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो डेजर्ट वेजिटेशन है यहाँ पर, ये ज़ीरोफाइटिक होती है, आप बोल सकते हो दीज आर द ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन, ये ऐसी वेजिटेशन है जहां पर रेनफॉल नहीं होती वहां पर भी ये वेजिटेशन आपकी सपोर्ट कर लेती है, याद रखना। यहाँ पर जो प्लांट्स है उनकी रूट्स लंबी होती है, उनकी रूट्स लंबी होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो फॉर द सर्च ऑफ वाटर इनकी रूट्स काफी डीप तक जाती है। तो याद रखना मोस्ट डेजर्ट शर्ब्स हैव लॉन्ग रूट्स एंड वेल स्पेस्ड आउट गैदर मॉइस्चर फॉर द सर्च ऑफ ग्राउंड वाटर, याद रखना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्लांट्स हैं इनकी या तो लीव्स नहीं होती, जो यहाँ पर प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां नहीं होती, या जो पत्तियां होती है वो वैक्सी होती हैं, निडिल शेप में होती हैं। क्यों निडिल शेप में क्यों होती है, क्योंकि जो लॉस ऑफ वाटर है जो ट्रांस निडिल शेप में होती है, क्यों, क्योंकि जो लॉस ऑफ वाटर है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर जो है वो कम हो सके कहां पर, डेजर्ट वेजिटेशन के अंदर, ये चीज याद रखना, ठीक है। वहीं पर जो सीड्स ऑफ मेनी ग्रासेस एंड हर्ब्स है थिक एंड टफ स्किन्स टू प्रोटेक्ट वाइल द डोरमेंट,
उसी के साथ साथ जो यहाँ पर हमारे जो एनिमल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं जो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सके, और इसी के साथ साथ जो सीड्स हैं बहुत सारी स्पीसीज की, ग्रासेस की और हर्ब्स की, वो थिक होती हैं, वो थिक होती हैं जिससे उनकी जो स्किन्स है वो प्रोटेक्ट हो सके, जो यहाँ पर डोरमेंट कंडीशन है, जो टफ कंडीशन है उससे, ये चीज याद रखें। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डेजर्ट बायोम, दिस इज अबाउट द ग्रासलैंड बायोम, दिस इज अबाउट द फॉरेस्ट बायोम, हमने ये चीजें डिस्कस कर ली है। एक हमारा एक्वेटिक बायोम बचता है, उसको हम कल की क्लास में बात करेंगे कि एक्वेटिक बायोम होता क्या है, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक्वेटिक बायोम आखिर में होता क्या है, उसको बहुत डिटेल में वहां पर हम चीजों को समझेंगे। बट आज की क्लास में अभी हमारा टुंड्रा बायोम और टाइगा बायोम और पड़ा है, उसको हम कवर कर लेते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं आपके सामने बात करूं चीजों को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, देखिए हमारे दो टाइप के बायोम है, एक है टुंड्रा और एक है टाइगा। टुंड्रा का मतलब होता है गाइस, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा, नीचे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद ग्रासलैंड्स है, उसके बाद डेजर्ट्स है, उसके बाद टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन में हमने फॉरेस्ट पढ़े कौन से, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद आता है बोरल फॉरेस्ट, और इसी बोरल फॉरेस्ट को बोलते हैं टाइगर रीजन, टाइगर रीजन, और उसके बाद नियर पोलर रीजन, ये आता है टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन जो परमानेंटली बर्फ से जमा होता है, फिर ये आता है टाइगर रीजन। तो टुंड्रा और टाइगर रीजन है, इसको हमें एक बार कवर कर लेते हैं, याद रखना। ठीक है, 1 PM की क्लास नहीं है आज, क्योंकि गाइज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। आप बिलीव कीजिए मैं इस क्लास को ले रहा हूँ, मेरी एनर्जी भी आप लोगों को पता होगा आज डाउन लग रही होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को मिस ना करूँ। आज सेशन सिर्फ इसी वजह से लिया है कि चीजें मिस ना हो, 9 PM का सेशन होगा उसको मिस नहीं करेंगे, बट कल से सारे सेशन होंगे 1 PM का भी, 9 PM का भी, 11 का भी, और सारे जितने भी सेशन है वो टाइमली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टुंड्रा एंड टाइगर रीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं टुंड्रा बायोम के बारे में। सर टुंड्रा बेसिकली आर्टिक और एल्पाइन, मतलब जो आर्टिक रीजन है 66.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर पर, वहां पर आपको टुंड्रा बायोम देखने को मिलेगा। अब आपको बोलोगे कि सर नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह मिलेगा, कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह मिलेगा हमारा टुंड्रा बायोम, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एग्जिस्ट नहीं करता अराउंड 70 और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पर। टेम्परेचर मिल जाएगा बट वहां पर इस वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए जो हमें ट्रीज लैंड चाहिए वो लैंड नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो एल्पाइन टुंड्रा है, दो टाइप के मैंने टुंड्रा बताए हैं आपको। देखिए इस एरिया में एल्पाइन टुंड्रा का मतलब है जो ऊपर हाई 66.5 डिग्री, समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए दो टाइप के टुंड्रा हो सकते हैं, एक तो आर्टिक टुंड्रा एक एल्पाइन टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा मतलब अगर ये हमारी अर्थ है, समझने की कोशिश करना ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर ये 66.5 डिग्री है, यहाँ पर जो ये माउंटेन है इस माउंटेन के ऊपर जो यहाँ पर फॉरेस्ट होंगे उसको बोलेंगे हम एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा। और आर्टिक टुंड्रा जो यहाँ पर इस लैटिट्यूड के ऊपर जो आपके फॉरेस्ट है दैट इज नोन एज द आर्टिक टुंड्रा, ये आर्टिक वेजिटेशन के अंदर आएगा और वो आएंगे एल्पाइन के अंदर जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर, अगर आपको माउंटेन के ऊपर देखने को मिलेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा, दैट इज आर्टिक टुंड्रा एंड एल्पाइन टुंड्रा। एल्पाइन टुंड्रा अकर एट अ हाई माउंटेन अबव द ट्री लाइन, एग्जांपल हाई रेंज ऑफ हिमालय एंडीज एंड एल्प। मतलब क्या है समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। अब मान के चलिए मेरा टुंड्रा वेजिटेशन है, तो मेरा 66.5 डिग्री पर जो यहां पर वेजिटेशन है इस वाले एरिया में That is known as the Arctic tundra. But अगर मैं बात करूं हमारा जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री या 35 डिग्री, यहां पर हिमालय है, बट हिमालय की हाइट कितनी हो चुकी है 8000 से भी ज्यादा, और वहां पर अगर 3000-4000 मीटर की हाइट पर जो वेजिटेशन है वो सेम उसी तरीके की वेजिटेशन होगी जो टुंड्रा रीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर टुंड्रा रीजन का और हिमालय की हाइट पर सेम ही टाइप का मिलेगा, तो यहां पर भी उसी टाइप की वेजिटेशन हो जाएगी। बट यहां पर जो वेजिटेशन होगी उसको हम आर्टिक टुंड्रा नहीं बोलेंगे, उसको एल्पाइन टुंड्रा बोलेंगे। तो जो एंडीज माउंटेन है, रॉकीज माउंटेन है, जो हमारे हिमालय है, जो एल्प्स माउंटेन है, वहां पर हमारे जो एल्पाइन टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगी, सेम लाइक जो हमारे आर्टिक रीजन में देखने को मिलती है।
तो याद रखना, एल्पाइन टुंड्रा अकर एट अ हाई माउंटेन्स अबव द ट्री लाइन राइ द हाई रेंजेस ऑफ हिमालय एंडीज एंड एल्प्स। और वहीं पर आर्टिक टुंड्रा वही है जो 66.5 डिग्री पर टुंड्रा रीजन में देखने को मिलता है। रीजन है कि यहाँ पर कोई भी ट्रीज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आर्टिक टुंड्रा है, यहाँ पर कोई भी ट्रीज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाली एरिया परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पर जो सॉइल है वो आपकी आइस से कवर्ड रहती है। सॉइल है वो आइस से कवर्ड रहती है जनरली। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है वो मोसिस एंड लाइकेन्स मिलती है, जो कि बहुत ही बेयर जो चट्टाने हैं उन चट्टानों के ऊपर इस तरीके की मोसिस एंड लाइकेन्स आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, ये चीज याद रखना। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर जो कोस्टल लोलैंड वाला एरिया है यहाँ पर पास्चर मिल जाएंगे रेंडियर्स के लिए। उसी के साथ साथ समर्स में यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट होके आती हैं। इंसेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जब यहाँ पर जो स्नो है जब वो मेल्ट होती है, तो थोड़े बहुत यहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट होती है इस वाले रीजन में। और जो यहाँ पर इंसेक्ट है उनकी जो लाइफ पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है, और वो भी तब है जब यहाँ पर वो मेल्ट हो जाती है आइस, और जिसके कारण ये आपका फेवरेबल पीरियड होता है इंसेक्ट्स की ग्रोथ के लिए, जब वो मेल्ट हो जाती है समर सीजन में थोड़ा बहुत आइस। यहाँ पर जो एनिमल्स है वो मिलेंगे रेंडियर, आर्टिक फॉक्स, वॉल्स, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, आर्टिक हेयर, आर्टिक विलो, ये टुंड्रा रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टुंड्रा रीजन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो रेप्टाइल्स और एम्बिफियंस हैं वो एब्सेंट रहते हैं, याद रखना। यहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं और एम्बिफियंस हैं, एम्बिफियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, और रेप्टाइल्स बेसिकली आपको पता होगा, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर एब्सेंट होती हैं जनरली, याद रखना। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, 150, 300, 250 साल तक ये जीते हैं, याद रखना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मल हेयर होते हैं। एपिडर्मल हेयर मतलब इनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं जो इनके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं बाहर का जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है उससे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनका जो साइज होता है, बॉडी का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, और वहीं पर जो इनके कान और टेल होती है, जो इनकी पूंछ और कान होते हैं वो छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी इंटरनल हीट है वो इंटरनल हीट लॉस ना हो सके, जिसके कारण, क्योंकि कान और आपकी टेल्स के थ्रू ही तो हीट लॉस होगी, तो कान और आपकी टेल छोटी होती है, बॉडी में साइज में बड़े होते हैं ताकि हीट लॉस ना हो सके आपका। इस वजह से आपको टुंड्रा बायोम में इस तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, याद रखना। उसी के साथ साथ टाइगा और बोरियल बायोम के बारे में बात करते हैं। टाइगा, टाइगा मतलब जो टुंड्रा रीजन है, 66 आर्टिक वाला रीजन है, उस आर्टिक रीजन से नीचे की तरफ, याद रखना, उस आर्टिक रीजन से नीचे की तरफ याद रखना, यहाँ पर उसको बोलते हैं टाइगा और बोरल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर टाइगा और जो बोरल फॉरेस्ट है, यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, याद रखना। किस टाइप के? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको दिख रहे हैं, ये टाइगा वेजिटेशन के अंदर दिख रहे हैं। कौन से? कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो दिख रहे हैं वो आपको टाइगा वेजिटेशन के अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, याद रखना, सब आर्टिक रीजन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये इक्विटोरियल रीजन है, यहाँ पर ये आपका ग्रासलैंड वाला एरिया आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये डेजर्ट वाला एरिया आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर टेम्परेट रीजन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर टाइगर रीजन आ जाएगा, उससे ऊपर यहाँ पर आपका आ जाएगा आर्टिक रीजन, और यहाँ पर आ जाएगा पोलर रीजन। तो यहाँ पर ये इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे टाइगा फॉरेस्ट और बोरल फॉरेस्ट, और यहाँ पर जनरली आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट इस टाइप से होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ये अपनी पत्तियों को नहीं गिराते फ्रिक्वेंटली, ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उनको कॉनिफेरस निडिल शेप होती है, निडिल शेप होती है, जिसके कारण ये बहुत ही स्लोली डीकम्पोज होती है। और याद रखना, नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस कंटेंट इज लो। यहाँ पर जो सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत ही लो होता है। ह्यूमस कंटेंट लो इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर एक्सट्रीम लो होता है, डीकम्पोजिशन रेट बहुत ही स्लो होता है, जिसके कारण यहाँ पर स्लोली डीकम्पोज है क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है। टेम्परेचर हाई जितना होगा उतना ही डीकम्पोजिशन जल्दी होगा, इसी वजह से सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट भी लो होता है। और यहाँ पर जो लिटर है
वो यहाँ पर जो पत्तियां हैं, जो यहाँ पर पत्तियां टूटती है ना, वो टूटने के बाद डीकम्पोज होने में भी टाइम लगता है, याद रखना। यहाँ पर जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि वेदरिंग होने के लिए भी क्या चीजों की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। मॉइस्चर भी इतना ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर लो है, तो वेदरिंग भी बहुत डिले होगी। कॉनिफेरस अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, और यहाँ पर जो सॉइल होती है वो थिन पॉडजॉइल सॉइल होती है, एंड रेदर पुअर, याद रखना पुअर होती है, जिसके कारण मैंने आपको बता दिया क्यों, कैसे, क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। जो आपको यहाँ पर प्री डोमिनेंट वेजिटेशन है वो यहाँ पर एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी ट्रीज देखने को मिलेंगे? स्प्राउस, फर, पाइन, ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं इनको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, जिसके कारण ये सब आर्टिक क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, जहां पर लो टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी कम होती है। और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है बोरियल फॉरेस्ट की वो लोअर होती है अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम से, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस रेन फॉरेस्ट, वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर इतनी हाई डेंस वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पर इतनी फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज नहीं है, यहाँ पर कम आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो साइबेरियन टाइगर देखने को मिलेगा, वॉल्वरीन, एलेनिक्स, वॉल्फ, बियर, रेड फॉक्स, स्क्वेरल, एंड एम्बिफियंस लाइक हाइला, राना, ये आपको यहाँ पर एम्बिफियंस देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? टाइगा और बोरल फॉरेस्ट वाले एरिया में। सो दिस इज अबाउट द टेम्परेट, या आप, मैं बोल सकता हूँ आपके सामने जो बायोम्स है उनके बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था गाइस कि जो हमारे बायोम्स है, हमारे टोटल आपके 5 बायोम्स हैं। सबसे पहला जो हमारा बायोम है वो है हमारा फॉरेस्ट बायोम, जिसको हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरे नंबर में हमारा जो बायोम है वो है टाइगा, और जो हमारा टुंड्रा वाला रीजन था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। तीसरा हमारा जो बायोम है वो है डेजर्ट बायोम, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्यों होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये चीजें बता दी, किस टाइप की वेजिटेशन होती है ये कवर कर लिया। उसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं, चौथा हमारा जो बायोम होता है उसको बोलते हैं ग्रासलैंड बायोम। 5वें नंबर पर जो हमारा बायोम है उसको बोलते हैं एक्वेटिक बायोम, एक्वेटिक मतलब वाटर। तो कल की क्लास जो होगी वहां पर हम एक्वेटिक बायोम के बारे में बात करेंगे। एक्वेटिक बायोम मतलब वो बायोम जहां पर हमारा फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, एस्चुरी, वेटलैंड, ये जो है ये आपके एक्वेटिक बायोम के अंदर आते हैं, जो हम कवर करने वाले हैं कल के सेशन के अंदर। कल सुबह 11 बजे थर्सडे है, बट फिर भी हम इन्वायरमेंट को कवर करेंगे, टुंड्रा, टाइगा, डेजर्ट, और ये पूरा इकोसिस्टम वाले पार्ट को कवर करेंगे, याद रखें। समझ में आ गया? विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड होगी, बिल्कुल सही बात है, जो आपका हम बात कर रहे थे टाइगा बायोम के बारे में, वहां पर क्लियर है। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा टाइगा बायोम है वहां पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, तो वहां पर जो उनकी लीव्स हैं वो बहुत जल्दी वहां पर डीकम्पोज हो जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ड्यू टू द लो टेम्परेचर वहां पर डीकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, वो जल्दी से डीकम्पोज नहीं हो पाती, जिसके कारण वहां पर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो डीके और डीकम्पोज नहीं हो पाती फास्टली। लो टेम्परेचर भी एक रीजन है, याद रखना। तो कितने स्टूडेंट को यहाँ तक जो हमने आज का टॉपिक पढ़ाया है इन्वायरमेंट का, ये क्लियरली समझ में आ गया है, मुझे बता सकते हो? अदरवाइज कल से हम क्या करेंगे, कल से हम आपका आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आप लोग प्रॉपर अच्छे से क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हो, चीजों को जल्दी, जितना जल्दी हो सके रेगुलर क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, ठीक है? ओके गाइस, तो यहीं तक हमारा सेशन आज का खत्म होता है। रात को 9 बजे एनसीईआरटी का सेशन है, उसके अंदर हम मिलने वाले हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं हेल्प कर दूंगा किसी भी तरीके से, ठीक है? और हमारा पॉलिटी, फिर आपका फ्राइडे सैटरडे को पॉलिटी का सेशन है, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है गाइज? तो लाइक शेयर करते रहिए सेशन को, बाय, टेक केयर गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम शेयर कीजिए, कल मिलते हैं। उसी के साथ साथ गाइज एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपका ऑफर चल रहा है बहुत ही अमेजिंग, जिसके अंदर आपको 50% के साथ साथ 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो ये बहुत ही अमेजिंग ऑफर है। आप AM10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मेरी एंड से मेंटरशिप गाइडेंस आपको मिल जाएगी, और जल्दी से आपका दिवाली, सब कुछ, ये फेस्टिवल है, खत्म करो, बहुत आप लोग मिस कर रहे हो सेशन को, जल्दी से अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी_अनिरुद्ध मलिक,
इसे ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर है गाइस। तो अभी का सेशन यही खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर गाइस, सी यू, फिर मिलते हैं, ओके, टेक केयर गाइस, 9 PM पे मिलेंगे।